राणा शमीम का नाम ECL पर डाला जाए या नहीं, दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। ये हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। इस्तफसार किया, आप तौहीन अदालत के केस में कैसे पार्टी बन सकते हैं? तौहीन अदालत केस तो अदालत का मामला होता है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब का मैदान नून लीग ने मार लिया। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट्स लेकर कामयाब करार पाई। पीपल्स पार्टी के असलम गुल 32,313 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाब की कामयाबी मलिक परवेज मरहूम के नाम कर दी। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, एक बारी फिर शेर। आसिफ जरदारी बोले, लाहौर का इलेक्शन आइंदा इंतखाबात में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पीपल्स पार्टी ने वोटर्स खरीदे, तहरीक इंसाफ ने राह फरार इख्तियार किया। तारा कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में शहर को कामयाबी हुई। फवाद चौधरी ने कहा, वोटिंग की शराह इंतहाई कम रही, PTI के बगैर इंतखाबी मैदान वीरान है। शहबाज गिल का कहना था, कौम इन चोरों को पहचान चुकी है। वजीर आजम का सानिया सियालकोट के हीरो को तमगा शुजात देने का ऐलान। मलिक अदनान कहते हैं, श्रीलंकन शहरी की जान ना बचाने का अफसोस है। फैक्ट्री में कई बार सफाई के दौरान पोस्टर्स उतारे गए। मकतूल की मैयत को आज श्रीलंका रवाना किया जाएगा। 19 में से 13 मरकजी मुलजमान का रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया जाएगा। जेर हिरासत 124 मुलजमान से तफ्तीश जारी। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत PDM का सरबराही इजलास आज होगा। स्टेयरिंग कमेटी इजलास में नून लीग ने इस्तीफों की मुखालफत कर दी। कहा, इस्तीफों के बजाय असम्बली का मुस्तकिल बॉयकॉट किया जाए। अपोजिशन इतिहाद का लॉन्ग मार्च को मार्च के आखिर में करने पर इतफाक हुआ। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% पर आ गई। 336 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मोहल्लिक वबा ने मजीद 10 अफराद की जान ले ली। अम्बात 28,777 हो गई। ओमिक्रोन ने दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वबा ने एक तिहाई अमरीका पर पंजे गाड़ लिए। सदर बाइडन ने महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी। 91 बरतानी शहरियों में वायरस की तस्दीक। रूसी वैक्सीन लगवाने वालों को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त मिल गई। मुल्क में जाड़े ने कदम जमा लिए। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सयाहों ने सर्द मौसम में हसीन वादियों का रुख कर लिया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।